नतिया तोर धिया कैसे हमन के मर्द करे तू छोड़ देबे रे नतिया तू का हे ऐसे हमरा कर ना तू हमरा करबे आएँ तू का हे हम लैके लो लगे रे एगो फरसा रहे फरसा उठन के काट दें रहती मगर धल धरलन आदमी आदमी लगावले रहन धल लन लेन लगावले लगौल आदमी फरसा धल अब हम कटनी ना गाड़ी फकर दे के झगरा देकर क क सही हम यही नहीं यहीं हनिका कहीं इंसाफ मिली अब तो पुलिस आवत जात आवत जात अब हमनी का करे के अब भरोसा रह बिहार सरकार में जो मौजूद है नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने आप को जो है सुशासन की संज्ञा देते हैं और एक तरफ़ पूरे राज्य में जो है दलितों को जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है वो कैसे तो आए दिन दलितों पर शोषण जुल्म अत्याचार रेप बलात्कार की तमाम तरह की जो घटनाएं हैं घटती आ रही है और इसका जो आंकड़ा है पूरे भारत में जो है दूसरे नंबर पे है बिहार राज्य बिहार राज्य में बहन बेटियां जो है दलितों समाज की जो बेटियां हैं वो कहीं भी कतई सुरक्षित नहीं है आप हमारे अगर खबर पे बने होंगे तो आप लगातार देखते होंगे कहीं ना कहीं दलित समाज की बेटियों के साथ रेप बलात्कार करके मार दिया जाता है फिलहाल इसी तरह के मामला जो है अभी हम रोहतास में मैं गाँव का नाम नहीं बता बता सकता है लेकिन यहाँ पर भी एक छेड़खानी का मामला रेप के मामला आया हुआ है सामने बाकी अभी हम जो है उस गांव में मौजूद और पीड़िता के साथ हैं बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ और किसने इसके साथ जो है गलत दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो आइए सबसे पहले मिलवाते हैं कई में पढ़ती हो थ्री में। थ्री में। थ्री में पढ़ती हो क्या हुआ था उस दिन सर हम गए ना कहा गयी यहाँ से मिल में चावल लेकर तो पड़ोसी में एक आजी थी ना hmm. तो आजी कोई थी ना हमके कि बुची तुम कहाँ जा रही हो हमारे कहती ना कि कहाँ जते रू तो कहानी ना कि आटा वाला मिल में तो कहती ना कि हम तेरा संगे चली तो कहा, हम कहना कि चल तो हम उ गनी जाना आटा वाला मिल में ना चावल hmm. देके आ चल गनी जगह में उत्ती न हमारे कहाँ जाते उची तो कि हम नहीं गाँव में तो उ कहते कि हम चलते तब तो तोर संगे गाँव में हम गए गांव में न तो गांन ना कि आधा घंटा के बाद तो के अत पीस दे तुआजी तो कहते ना कि ए आधा घंटा के बाद कहले पानू आदमी ना न? तो चल जी जा गाँव में तो, तो हमारा के तब कही जाय के बेर में तुम गौ के हम भुला गनी हम ना कहनी ना न तो हम आ गनी मिल में ना न? तो आदमी रहन रह ढेर मांगत रही ना तो ना देते रहन चीज चाप रहत रहन ऐसे ऐसे आंख मल के रहन हम मांगत रही ता तुम का कमट करिया रहत है वो आदमी है हमके क्या नाम था उसका नाम जानती हो हां सनी कुमार सनी कुमार हां तो फिर आगे क्या हुआ तो वो आदमी चल गेल और सारा आदमी चल गेल जाना तो हम हाथ घीचे

और यहाँ पर भी जो व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य करने की कोशिश किया इस छोटी सी तीस वर्ष बताया जा रहा है और उसके बाल बच्चे भी हैं और वो बच्चा उस उस व्यक्ति उस उस का अगर शादी हुआ होगा तो उसके बच्चे भी इस तरह का जो है उम्र में इस तरह के हो गए होंगे लेकिन सोचिए कि बच्ची मात्र दस साल की बच्ची के साथ कुकृत्य करने की कोशिश की गई बाकी आपको बताते हैं कि जो थाना है क्या किया इस मामले में या नहीं किया क्योंकि आपको बता दें कि ये मामला जो है आज से दो महीना पहले यानी नवंबर महीने की घटना बताई जा रही है बाकी पीड़िता के जो बच्चे हैं इसके पापा से बात करने की कोशिश करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे बाकी हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं उस लड़की के पिताजी हैं सर क्या हुआ था पूरा मामला आप डिटेल में बताइए

आपने देखा कि कोई समाज का व्यक्ति जो है इस तरह का कुकृत्य करने की कोशिश करता है और यादव समाज का व्यक्ति आकर कहता है कि समझौता कर लीजिए क्या सवाल उठ रहा है कि क्या अगर उस यादव समाज के लड़की के साथ इस तरह का कुकृत्य होता तो क्या वह व्यक्ति समझौता करता उस व्यक्ति से बाकी आगे बताइए बताओ अलन रात रा, में किरण डूब गए तोलन किस फेशमत कराया ये सब हमारे कह कहन कि समझौता हो समझौता भी ना हो सर हम ताकत रही जा रह किन जहाँ हम पर तो समझ जी लेकिन वो रात पूरा रात बीत तो गई ना अलन हम पूरा गाड़ी वाले के भी पाँच गो गाड़ी जो गाँव में चले वाला बैसन ले सब बंद कर दिल नहीं नहीं खे जाए गाड़ी लेके तब तो रात में छटपटाते रह गई बारह बजे गाड़ी को माना कर दिया कि मैंने थाना थाना केस ना, ना कर पाए जी जी वही खातिर तो मना कर तो कोई भी ना गोए सुबह के टाइम में हम ए शाहजी के लैके बड़न ए कानू शाह के वह किलेब बैटरी वाला गाड़ी तब वही गाड़ी पर हम लिया के गी सुबह में कोई चस तब जाके थाना पर समझनी तो थाना मतलब कहल थाना उ, के समझौत के तो बुला देते लैकों के आ, 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 लड़कियों तुह लोग के दून आगे समझ लो जाए तो भी ना समझौता हम कहें सर ठीक बात समझौता हम कर बुलाई तो लैक के आद, आदेश आर्देश भे के बे थाना पर तो लैक ना गई लैक के बाबूजी गएल तो लैक के बाबूजी अपन बात कैलन जैसे कि कम्प्रोमाइज के बारे में बात करते हैं पैसा के हमको कहीं हमारे पैसा ना अच्छा, चाहिए ए सी एस टी में आपने केस किया जी ए सी एस टी में मतलब गई नहीं तो केस ना लिखाई चौदह तारीख को लिखाई ना उजा के साहब चौदह गया तो चौदह को कहलन की अपन थाना पर समझ लीजिए कोचस में चौदह के कोचस में गई नहीं ना चौदह नवम्बर के तक बाद में चौदह तो के ना लिखाई पंद्रह केना लिखाइल सोलह नवंबर के लिखाई सर जाके केस, केस। मैं बारह एक बजे तो कौन थाना में एस सी की फिर कोचस में कोचस थाना में जनरल थाना जी जी कोचस थाना में हाँ अच्छा फिर एस सी में मतलब बारह तेरह नवंबर के जब गई रही तो जा केस मतलब लिखाई ना वहाँ के कहने कि केस तोहार लिखाई लेकिन अभी थोड़ा समझ लेता लेते कल केस लिखा जा चौदह नवम्बर चौदह के आइए काल लिखा जाए तो हम हमारा आके कुछ स्थाना पर हम समझ लें तब लिखाई घटना का दो से तीन महीना लगभग दो महीना हुए गया हाँ, लगभग हाँ, हाँ, दो महीना से ज्यादा अभी तक पुलिस एक्शन ली है कि नहीं लिया बताइए एक्शन तो तो सर सर पुलिस तो आवत जाता आवता जाता का खाली खाली पूछताछ पूछताछ के के लिए बस, बस खाली के लिए बस बस अभी तक पकड़ाई आरोपी अभी फरार है जी जी वो वो मुदालय भाग रहा है इधर उधर हाँ मुदालय अभी भाग रहा है ये वीडियो पुलिस प्रशासन देख रहे हैं पूरा बिहार का टीम देखेगी जो पुलिस प्रशासन के लोग है वो देखेंगे उनसे क्या अपील कीजिएगा हम अब अपील कीजिए क्या सर अब हम जब हमारा जब जब है, वो का अब वो, वो, हम न्याय नहीं मिलना चाहिए न्याय कहे ना बिना न्याय खातिर न्याय चाहिए न्याय सर अब तो कोर्ट अब का इसे न्याय दिला तो भाई कोर्ट के ऊपर न बजी अब, अब हम बस के तो चीज ना हम तो कहा हम न्याय दे हम तो करके न्याय देगा वैसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए पुलिस प्रशासन को जो आपके बेटी के साथ इस तरह का कुकृत्य किया है हाँ तब तो सर वह सब न जानब जान क्या करे के, का हो के, के चाहिए हमारे के साथ मान लाइज हमारे लुटा गुल सब बिका गुल दुनिया में अभी तक ले कुछ भयबे न कर इनका घर मान ला कि भय रही तो बड़का आदमी घरे ऐसे भय रही तो ना भय रही इसे। आज ले अभी जो दो दू महीना अढ़ाई महीना दिन हो गल धीरे धीरे अभी तक ना गिरफ्तार भे पीड़ित के पिता पिताजी जिन्होंने बताया कि महीना से दो महीना हो गया टाइम लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया जो आरोपी है जिस जो बलात्कार करने की कोशिश किया छोटी बच्ची के साथ मासूम के साथ वो व्यक्ति आज फरार है और पुलिस प्रशासन जो है कार में तेल डालकर सो रही है और आती है सिर्फ पूछताछ करने के लिए सही बात है जी ना जी जी जी, जी पूछताछ करके अभी तक तो कहाँ गिरफ्तार अभी नहीं हुआ तो लग रहा है कि न्याय मिलेगा आपको मिल नहीं करेगा कहाँ हो जाएगा जाएगा कहाँ भा के आपको नहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पैसा लेकर बैठ गई है पुलिस के अब हम पैसा देते सर नहीं देख ले तो कैसे कहीं पैसा दे मतलब जहिया रहे हम जाए से पहले उ लोग चल गुल जाए थाना पे जाके मिल जाए आपसे पहले ही जाकर पे कम्प्रोमाइज कराने के लिए सेटलमेंट कर लिया फर्स्ट टाइम में हमने रात में गाड़ी की मना कर दिलेन जाए लोग अपने से कार बार घर ही कार में बैठ के थाना पे गुल जाए समझ के चलन जा के तब बहान जाए तो आप देख लीजिए ऊपर से गलती करता है रेप करने की कोशिश करता है बलात्कार करने की कोशिश करता है एक मासूम के साथ और थाना पे इनसे पहले ही पहुंच करके कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है फिलहाल आप इस घटना को कैसे देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा क्या ये घटनाएँ रुकनी चाहिए या नहीं रुकना चाहिए पूरे बिहार में जो दलित समाज है दलित समाज पर लगातार इस तरह की मामलाएँ आ रही है बाकी आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए और इसको शेयर करके सबके पास पहुँचाइए ताकि उस व्यक्ति को जो है सजा फांसी की मिलनी चाहिए बाकी हमारे साथ जो बैठी औरत औरत हैं ये पीड़िता के माता जी है जो बच्चे है उनकी माता जी है इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में अब तक क्या हुआ लाइकी रोहते हम लड़की के विदा कर रही गाँव में चाउर दे के अकेले गयी थी ना शुरू में हाँ हमारे लड़की रहे लड़की गोय रहे चाउर दे ले रही लड़की गोये मिल पर चाउर दे के लड़की गाँव में चल गुल दीपावली के तिलंगी कटवावे तिलंगी कटवा के लड़की हमारे आईल उन्हीं से चाउर के दुकान पर गोयल तो कहते चाउर वाला दुकान वाला लड़की हमारे आईल

मोर्योग हाँ सुहा हाँ, लोग, हाँ, लोग। तो मिल चलावत रहन हाफ पैंट पर रह कुर्ता पर मिल चलावत रहन हर लड़की आएल रोत कहनी कहे रे बचियो कहे रहते काहर तो हम लड़की बतलावे लगल कि मम्मी हम ना जेब कबो ना जाए हम मिल पर के हर हमारे करत रहन से हम कब न जाए हमारे लड़की कहते कि खाव लगन हम इंटर उठौनी है छोड़ छोड़ा भागत हनी आएल हम ना मिली जेमी कबो तो हम कल किन रहे कोईनी आौड़ल लीपत पोत रही छोड़ छोड़ के गईनी दौड़ल कहनी करे नतिया के बेटा नति तोर धिया कैसे कैसे के मारदा करे तू तो छोड़ देबे रे नतिया तू तो का हे ऐसे हमरा तो हम कर तू हमरा करबे आएँ तू तो का हे हम के लो कल ये रे हम गाड़ी फकड़ फकर दही कलर उलर धनी एगो फरसा रहे फरसा उठन के काट दें रहती मगर धल लन आदमी आदमी भिड़ लगौल रन धर लेन भीड़ लगलन आदमी फरसा धरलन अब हम कटनी ना गाड़ी ओड़ी फकड़ के झगड़ा झुगड़ी क हम सही हम 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 यही माई आई तो कहती है हे दादा इ तो झूठ बोलत बोलतरी तो झूठ बोलते हमार लाईकी के एक लैका हमारा लाईकी भी एक लैका नहीं है एक लैकिया नहीं है लैका झूठ बोलते हम लैक ऐसे करी हम लैक ऐसे करी हम कनी हमारे लैके झूठ बोलती है आतना दिन ना हमारे लैकिया झूठ बोलते रहे कोई केने के कहत लैक है हमारे आँ के तू एक कह दिले हि कहें लैकियाँ लैकी अब ले, 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 की, ये ना ले तो रो अती है आई इना कैल तो रोहत हमार लैकिया हम मसी अब गाड़ी फकरड़ दे के हम चल एनी अब घरे घरें ऐनी तगो जादू में के रहे। जादू जाद नाजी तो वह नती के बेटा सांझी के तो अब उ लगल कि देख फलाना तह हो गई रहे बोल दाली गाड़ी फकड़ दिले ऐसन झगड़ा झुगरी कैल ऐसन आए आएल हिया से ऐसे ऐसे कह दिले बसन हम कहीं नती वा काट दल रहती तेर की

चलिए तो आपने देखा कि किस तरह से जो है रेप करने की कोशिश होती है और उसे समझौता भी कराने की कोशिश होती है और पुलिस प्रशासन में सरासर जो है पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम साबित हो रही है और पुलिस कान में तेल डाल कर सो रही है कि और और महीना लगभग हो गया और अढ़ाई महीना को होने के बाद भी पुलिस आती है और चार बार आई है चार बार आई है ना पुलिस अढ़ाई हाँ महीने में चार बार आई है अभी पूछताछ करके छोड़ दिया और कुछ काम नहीं किया होना चाहिए ना एकदम गिरफ्तारी होना चाहिए सब जान जाएगा मानी कैसन कैसन हो के चाहिए बिल्कुल तो पुलिस जो है जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक और गिरफ्तार नहीं हुआ और पुलिस कान में तेल डाकस सो रही है बाकी आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए थैंक यू